हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको ये बताएंगे कि नवजात शिशुओं में कौन कौन सी जन्मजात समस्याएं होती हैं और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां होती हैं और ये जन्मजात होती हैं। शिशुओं में कुछ बीमारियां जन्मजात होती हैं जो जन्म के बाद बच्चों के अक्सर बीमार रहने का कारण बनती है। जन्मजात असमानताएं शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। इसमें अधिकतम असमानताएं तंत्रिका नाल की विकृति से संबंधित होती है जिसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है। अब जो समस्या है, समस्याओं को समझना बहुत मुश्किल होता है, उसे कब और क्या चाहिए इसका ख्याल एक माँ से बेहतर और कोई नहीं रख सकता है। जन्म लेते हैं शिशु की देखभाल में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। उसे कब और कितनी देर में दूध पिलाना है और कब उसका डाइपर बदलना है, बच्चे की मालिश कब करनी है आदि का ख्याल माँ ही कर सकती है। तो ये समस्याएं हैं। अब उसमें से एक समस्या है पीलिया का। नवजात शिशुओं में सबसे आम समस्या पीलिया की है। इस बीमारी में त्वचा और आंखें जो पीली पड़ जाती है। बच्चे की नाक, सिर और जांघ को उंगलियों से दबाएं, फिर देखें कि क्या आपके उंगलियों के नीचे की त्वचा पीली पड़ी है या नहीं। बच्चों को जन्म के 3 से 5 दिन में पीलिया हो सकता है और इसको ठीक होने में कुछ दिन लगते हैं। एक और जो बीमारी होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है नवजात शिशु में वो है स्पाइना बाइफिडा। तंत्रिका नाल से जुड़ी सबसे अधिक पाए जाने वाली विकृति है। भारत में करीब 1500 बच्चे इस विकृति के साथ जन्म लेते हैं। स्पाइना बाइफिडा में रीढ़ दरार युक्त हो जाती है और कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर निकली हुई रहती है। इसके कारण दरार वाली जगह के नीचे वाली मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उसके नीचे के हिस्से में लकवा मर जाता है। एक समस्या है क्रेडल कैप। बच्चे के सिर की ऊपरी त्वचा, ये सब त्वचा है, पीली और सफेद परतनुमा और चिपचिपी हो जाती है। सिर पर तेल जमा होने और सिर की त्वचा निकलने से ऐसा होता है। रोजाना बाल धोने और मुलायम ब्रश से कंघी करने से क्रेडल कैप के इलाज में मदद मिलती है। उसके बाद जो बीमारी है एक वो है अमस्तिष्कता। यह तंत्रिका नाल की सबसे गंभीर विकृति है। करीब 1000 बच्चे हर साल हमारे देश में इस विकृति के साथ जन्म लेते हैं। इस विकृति में सिर की हड्डी का ऊपरी भाग और प्रमस्तिष्क अनुपस्थित रहता है। एड्रिनल ग्रंथियां क्षतिग्रस्त रहती है तो ऐसे में शिशु सिर्फ कुछ क्षणों के लिए जीवित रहते हैं और उनमें से अधिकांश संख्या लड़कियों की होती है। बच्चों में एक समस्या होती है बेबी एक्ने। इस समस्या में बच्चे के चेहरे पर लाल रसेज यानी चकते पड़ जाते हैं। आमतौर पर ये जन्म के 3rd या 4th हफ्ते में होते हैं। दरअसल प्रेगनेंसी हार्मोन त्वचा में मौजूद तेल ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं जिससे ऐसा होता है। तो बच्चे के चेहरे को दिन में एक बार नरम साबुन से धोना चाहिए। उनके कपड़े तेज डिटर्जेंट से बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। एक और बीमारी है जो बच्चे में काफ़ी मतलब जन्मजात होती है वो है हाइड्रानेसिफिली। इस विकृति में शिशु का सर असामान्य रूप से बड़ा होता है। मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स में सेरिप्रोस्पिनाइल द्रव्य की मात्रा अधिक होने से सिर की हड्डियां पतली हो जाती हैं जो दिमागी विकलांगता का कारण बनता है। इनके अलावा भी कई विकृतियां हैं जो जन्म से पाई जाती हैं जैसे विकृत ओंठ और तालू। हर वर्ष 7 से 8 हजार बच्चे इस विकृति के साथ जन्म लेते हैं। गर्भावस्था के आरंभिक दौर में कुछ वायरस के संक्रमण से बच्चे में जन्मजात विकृति पैदा हो जाती है। इन जन्मजात विकृतियों में बहरापन, मोतियाबिंद
हृदय संबंधी रोग और मानसिक रूप से अक्षमता शामिल है। उसके बाद एक समस्या होती है थ्रश होना। नवजात को यह मुंह की बीमारी होती है। यह मुंह में होने वाला आम यीस्ट इन्फेक्शन है। इसके कारण बच्चों को दूध पीने में समस्या होती है। उसके बाद है ब्लॉक्ड टियर डक्ट। जन्म से ही अगर बच्चे की या दोनों आंसू की नलियां बंद हों तो बच्चे को समस्या है। इसके कारण बच्चे की आंखें खुल नहीं पाती हैं। और इन सब के होने के कारण है विकारग्रस्त बच्चे या जो बच्चे जन्मजात असमानताओं के साथ पैदा होते हैं उनके कारण पूर्णता नहीं समझे जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से दो में विभाजित किए गए हैं, आनुवंशिक या वंशानुगत कारण और दूसरा है वो है वातावरण संबंधी। तो ये कारण हो जाते हैं। अब एक और चीज जो समस्या है वो है एम्बिलिकल ग्रैनुलोमा। जन्म के बाद नाभि की नाल का बचा हुआ हिस्सा बढ़ने लगता है और धीरे धीरे यह हिस्सा नमीयुक्त पीला और लाल हो जाता है जिसमें से हल्का खून भी कभी कभी निकल जाता है। चिकित्सक सिल्वर नाइट्रेट से इसे सुखाकर इलाज कर सकता है। अगर तब भी कोई फर्क नहीं पड़े तो फिर इसे निकालना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं बच्चों में हो जाती है। एक और समस्या जो है वो है अम्बिलिकल हर्निया। अब्डोमिनल वॉल यानी पेट में छोटा सा छेद हो जाए तो पेट पर हल्का सा दबाव पड़ने पर टिश्यू बाहर आने लगता है। इसे अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। इसके अधिकतर मामले पहले 12 से 18 महीने में ठीक हो जाते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं बच्चों में जो कभी कभी जन्मजात होती है। बचाव कैसे करना चाहिए वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। गर्भधारण से पहले पौष्टिक खाना खाने की आदत डालें। फल, सूखे मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, ये सब भोजन में आप शामिल करें। जंक फूड बिल्कुल मत लीजिए। गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के शुरुआती चरण में फॉलिक एसिड का सेवन करने से विकारग्रस्त शिशु होने की जो आशंका होती है वो कम हो जाती है। गर्भधारण से पहले छोटी चेचक और रूबेला का टीका अवश्य लगवा लें। 12 से 15 माह की उम्र के दौरान MMR का टीका लगाया जाता है। गर्भवती महिला को रूबेला का वैक्सीन नहीं दिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान किसी भी दवा का सेवन बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लें। कोई भी दवाई लेने में अत्यधिक सावधानी रखें। यदि महिला डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, अस्थमा यदि से पीड़ित हो तो गर्भधारण करने से पहले ब्लड शुगर को नियंत्रित रखकर शिशु की जन्मजात विकृति को रोका जा सकता है। इससे पहले आप अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। हाइपर या हाइपोथायराइड के मरीजों को भी गर्भधारण करने से पहले डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगें तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।